हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल गाइस, शहनाज को लेकर के फैंस के अक्सर ही क्वेश्चन रहते हैं कि क्या है नया प्रोजेक्ट, क्या शहनाज सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही करती रहेंगी। तो भाई साहब, लॉकडाउन जब था तो बहुत सी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को कुछ काम नहीं था, लेकिन शहनाज एक के बाद एक ऐड कर रही थी। और क्या वो ऐड फ्री में तो नहीं कर रही थी, उसके भी शहनाज अच्छे खासे चार्जेस ले रही थी। तो ये तो मत ही बोलो कि शहनाज के पास कुछ काम नहीं है, जो लोग भी कहते हैं। शहनाज के पास बहुत सारा काम है, और अब जैसे कि शूटिंग स्टार्ट हो गई हैं तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स की भी खबरें आना स्टार्ट हो गई, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तो कोई मिस ना हो। उससे पहले आप देख सकते हैं शहनाज गिल का ये लेटेस्ट BTS है, जिसमें शहनाज ने कल मिंत्रा का ऐड आया था। तो ये हैं बलजीत हेयर स्टाइलिस्ट, जिसमें शहनाज एंड सिद्धार्थ दोनों का हेयर स्टाइलिंग करते जब भी ऐड वगैरह होते हैं। और अब बता दें आपको, जो कोरियोग्राफर सुमित हैं, जिन्होंने शोना शोना के टाइम पे सिद्धार्थ एंड शहनाज को कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने एक स्टोरी लगाई है और लिखा है गेस व्हाट, शहनाज गिल एक्स सुमित। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने बताया कि शहनाज एंड सुमित, और सुमित जो है कोरियोग्राफर है, तो जाहिर सी बात है शहनाज को कोरियोग्राफ करेंगे डांस को लेकर के। अब ऐसे में अफवाहें फिर से आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि खुद उन्होंने ही स्टोरी लगाई है सुमित ने। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि शहनाज का कोई म्यूज़िक वीडियो आ सकता है, क्योंकि सुमित काफ़ी ज़्यादा जो है गाने कोरियोग्राफ कर चुके हैं DMF के, डेजी म्यूज़िक फैक्ट्री के। तो चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है शहनाज का कोई DMF के साथ सोलो प्रोजेक्ट हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया शहनाज का कोई MV भी नहीं आया है। तो ये है खबर। वेल, क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।